In this section, I will explain the two frequently used liquidity ratios, and these are the current ratio and the quick ratio. So if we look at the first one, the current ratio, it basically measures the company's ability to pay off its current liabilities that are payable within one year. So immediately aapko ek ke andar andar jo payments. Karne hai, उसके लिए आपकी एबिलिटी क्या है उसको हम असेस करने के लिए करंट रेशो को कैलकुलेट करते हैं नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट दिस द वैल्यू ऑफ़ द करंट रेशो यू नीड टू हैव द वैल्यू फॉर द करंट एसेट्स एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू ऑफ द करंट लाइबिलिटीज सो बाय करंट वी मीन दैट वॉट इज़ अवेलेबल फॉर वन ईयर करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स का मतलब है कि इमीजिएट एक साल की जो एसेट्स हैं एक साल के लिए और एक साल के जो लाइबिलिटीज हैं उनको आप अकाउंट फॉर कर रहे हैं करंट रेशो को कैलकुलेट करने के वास्ते नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशो इज कॉल्ड द क्विक रेशो और द एसेट टेस्ट रेशो क्विक रेशो बेसिकली मायर्स द कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन विद इट्स मोस्ट लिक्विड एसेट्स and therefore it excludes the inventories from its current assets. So जब आपने current assets की value को calculate करना है तो उसमें से आप inventories को निकाल देते हैं इसलिए इसका नाम quick ratio या asset test ratio बोला जाता है Now quick ratio को calculate करने के लिए आपके पास values होने चाहिए cash and cash equivalents की value हो उसके बाद marketable securities की आपके पास वैल्यू क्या है एंड देन यू आर गोइंग टू हैव द वैल्यू फॉर द अकाउंट्स रिसीवेबल इन तीनों को जमा करके आपकी आपके पास आएगा टोटल करंट एसेट्स अब ये जो करंट एसेट्स है आपके पास इनमें से इन्वेंट्रीज की वैल्यू को आपने डिडक्ट करना है नहीं तो ये आपकी जो हमने अभी डिस्कस किया था क्विक रेशो से पहले करंट रेशो वो वाली वैल्यू निकल आएगी राइट सो so, हमने इसमें से इन्वेंट्रीज को निकाल दिया एंड देन यू आर गोइंग टू

वो सारे के सारे वैल्यूज जो हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में गिवन है आई एम गोइंग टू शो यू दीज नंबर्स एंड वी आर अस्यूमिंग दैट दीज टू कंपनीज आर ऑपरेटिंग इन द सेम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों कुछ मैन्युफैक्चर करती हैं एक ही सेक्टर में दोनों फॉल करती हैं इसलिए अभी हमने डिस्कस किया था ये सेक्टर सेम होना चाहिए अगर आप कंपेयर करने वाले हैं लिक्विडिटी रेशोस को ताकि आप ज़्यादा बेहतर एनालिसिस कर सकें नाउ इन दिस एग्जाम्पल हमने लिया ए बी सी इन कॉरपोरेशन को और एक्स वाई जी कंपनी को इनके पास ये बैलेंस शीट के आपके पास एक व्यू है इनके पास ए बी सी के पास पाँच मिलियन डॉलर का कैश है पाँच मिलियन डॉलर की मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं एक्स वाई जी के पास दो मिलियन की मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं इनके पास कैश वन मिलियन डॉलर का है सिमिलरली ए बी सी ने के अकाउंट्स रिसिवेबल दस मिलियन डॉलर के हैं जबकि एक्स वाई जी के पास दो मिलियन डॉलर के अकाउंट्स रिसीवेबल हैं हमने इन्वेंट्रीज को फॉर किया करंट एसेट्स की वैल्यूज ली दोनों की प्लांट एंड इक्विपमेंट लिया इनटेंजबल एसेट्स ली अब आपने करंट एसेट्स को प्लांट एंड इक्विपमेंट को और इनटेंजबल एसेट्स को इन तीनों को जमा कर देना है तो आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे टोटल एसेट्स ए बी सी के पास सेवनटी फाइव डॉलर मिलियन डॉलर हैं और एक्स वाई जी के पास भी सेवेंटी फाइव मिलियन डॉलर के टोटल एसेट्स हैं अब हम देख रहे हैं करंट लाइबिलिटीज को तो करंट लाइबिलिटीज दस मिलियन की हैं एबीसी की और ट्वेंटी फाइव की ट्वेंटी फाइव मिलियन डॉलर एक्स वाई जी की हैं लॉन्ग टर्म डेट हमने अकाउंट फॉर किया फिफ्टी मिलियन डॉलर ए का टेन मिलियन डॉलर एक्स वाई जी का तो आप देख सकते हैं करंट लाइबिलिटीज एक्स वाई जी की ज्यादा है और लॉन्ग टर्म डेट ए का ज्यादा है टोटल लाइबिलिटीज निकालने के लिए आपको करंट लाइबिलिटीज को लॉन्ग टर्म डेट के साथ जमा कर देना तो आपके पास वैल्यू आएगी टोटल लाइबिलिटीज की इज सिक्सटी मिलियन डॉलर फॉर एबीसी इनकॉर्पोरेशन एंड थर्टी फाइव मिलियन डॉलर फॉर एक्स वाइजी कंपनी सो अभी लाइबिलिटीज की तरफ देखेंगे तो वहां भी एबीसी की ज्यादा है हालांकि दोनों की जो टोटल एसेट्स थी वो बराबर थी नाउ शेयर होल्डर एक्विटी की तरफ देखा हमने तो इट टर्न आउट टू बी फिफ्टीन मिलियन डॉलर फॉर एबीसी इनकॉर्पोरेशन एंड फोर्टी मिलियन डॉलर इसका मतलब है एक्स वाई जी की एक्विटी ज़्यादा है एबीसी से तो अभी हम ये जो अभी हमने रेशो को डिस्कस किया था उसको इस डेटा की मदद से हम उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके उसको हम इंटरप्रेट करने की प्रैक्टिस करते हैं कि वो कैसे इंटरप्रेट की जा सकती है नाउ एबीसी इनकॉर्पोरेशन के लिए जो करंट रेशो निकाला है विच इज़ करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज दैट इज़ थर्टी मिलियन डॉलर डिवाइडेड बाय टेन मिलियन डॉलर एंड दैट टर्न आउट टू बी थ्री तो करंट रेशो मैंने आपको बताया था ये क्या हमें बता रही है ये बता रही है कि हमारे पास जो कैपेसिटी है लाइबिलिटीज़ uh, को पे करने के वास्ते उस वो कैपेसिटी है या नहीं है तो अगर ये वैल्यू वन से बड़ी निकल आई इसका मतलब है कि हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं वो लाइबिलिटीज से ज़्यादा हैं और वी हैव द कैपेसिटी टू टू पे द डेट और जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको आपको फुलफ़िल करने के लिए आपके पास सफिशेंट अवेलेबल एसेट्स मौजूद हैं क्विक रेशो निकालने के लिए हमने इसी तरह से सी प्लस एम एस प्लस ए आर किया डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटीज की और ये वैल्यू हमारे पास आई थर्टी डॉलर माइनस टेन मिलियन डॉलर और डिवाइड किया हमने करंट लाइबिलिटीज से तो इट टू बी टू पॉइंट जीरो द वैल्यू फॉर द क्विक रेशो फिर हमने डेट टू एक्विटी रेशो निकाली विच इज़ डेट था फिफ्टी का अभी हमने देखा था ए बी सी के लिए फिफ्टी मिलियन डॉलर और एक्विटी थी 15 मिलियन डॉलर की तो इट टर्न आउट टू बी डेट टू इक्विटी रेशो निकली है 3.33 और डेट टू डेट टू एसेट्स जो है दैट इज़ 50 डॉलर डिवाइडेड बाय 50 मिलियन डॉलर डिवाइडेड बाय 75 मिलियन डॉलर एंड द जीरो पॉइंट सिक्स सेवन फॉर ए बी सी इसी किस्म का हम यही पुराना डेटा लेके एनालिसिस करते हैं अगर एक्स वाई जी के लिए तो आपको करंट रेशो मिलता है ज़ीरो क्विक रेशो है ज़ीरो डेट टू एक्विटी इसकी निकली है जीरो पॉइंट टू फाइव और डेट टू एसेट रेशो है जीरो पॉइंट वन थ्री नाउ वी कंपेयर द टू तो हमें ये देखने को मिलता है कि ए बी सी इनकॉर्पोरेशन की जो लिक्विडिटी है वो ग्रेटर है एज़ कंपेयर टू द अदर कंपनी एक्स वाई जी से और इसकी करंट रेशो जो कि थ्री है इसका मतलब ये है कि उसके पास एक डॉलर का लाइबिलिटी चुकाने के लिए थ्री डॉलर मौजूद है इसका मतलब है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग या स्टेबल कंपनी है नेक्स्ट इस क्विक रेशो इसकी ए की जो निकली है वो बताती है कि उनके पास एडिकुएट लिक्विडिटी है अगर वो इन्वेंट्रीज़ को हम एक्सक्लूड कर दें उसके बावजूद उनके पास टू मिलियन डॉलर का एसेट्स टू डॉलर का एसेट कैन बी कन्वर्टेड इमीजिएटली रेडी कैश के फॉर्म में है जो कि एक डॉलर के करंट लाइबिलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए उनके पास दो डॉलर मौजूद है एक डॉलर के अगेंस्ट दो डॉलर और अगर हम यही वाली बातों के ऊपर कंपेयर करें एक्स वाई जी को तो वो उसके लिए हमें पता चला कि उसका जो करंट रेशो है दैट इज़ जीरो पॉइंट फोर इसका मतलब है कि उसके पास इन एडिकुएट लिक्विडिटी है उसके पास पैसे कम है जितनी उसके ऊपर एक डॉलर को पे करने के लिए उसके पास सिर्फ फोर्टी सेंट्स हैं जैसे अभी हमने उसके लिए अभी करंट रेशो निकाला था दैट टर्न आउट टू बी जीरो पॉइंट फोर और मैंने आपको बताया था कि वो वन से छोटा है तो वो बताती है आपके पास कम पैसे हैं अपने लाइबिलिटीज को फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए क्विक रेशो बताती है कि आपकी जो लिक्विडिटी पोजिशन है वो ज्यादा खतरनाक है एक डॉलर की करंट लाइबिलिटी को रीपे करने के लिए आपके पास सिर्फ ट्वेंटी सेंट्स हैं तो इस तरह से आप इन तमाम मुख्तलिफ रेशोज़ की मदद से किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं एंड दिस इज दिस इज़ व्हाट इज़ द व्हाट आर द बेसिक एडवांटेजेस ऑफ कैलकुलेटिंग दिज डिफरेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और डिफरेंट रेशोज़ आर